हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ दीप्ति, आपकी चहेती दीप्ति। तो अभी बन नहीं पा रही हूँ, आई होप सो मैं बन जाऊँ। तो टुडेज टॉपिक 4। आज का टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ ए हैबिटेट। तो हैबिटेट के कुछ घटक दिए गए हैं, कुछ जगह दी गई कि कहाँ कहाँ क्या कैसे पाया जाता है। तो हैबिटेट दो भागों में डिवाइड है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ डिवाइडेड हैबिटेट। तो हमारा दिया गया है बायोटिक और अबायोटिक। पहले बायोटिक और अबायोटिक के बारे में जान लेते कि ये है क्या। हम शुरुआत से पढ़ते चले जा रहे हैं लिविंग नॉन लिविंग। तो बायोटिक मतलब होता है लिविंग, ओके, और अबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग, ओके। देन तो बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक के हम कहते हैं लिविंग और अबायोटिक को कहते हैं नॉन लिविंग। तो हिंदी में बता देते हैं, लिविंग को सजीव और अबायोटिक को निर्जीव कहते हैं। तो बायोटिक को दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया। तो बायोटिक हमारा लिविंग में प्लांट और एनिमल जाएगा। क्या जाएगा? प्लांट और एनिमल। और अबायोटिक में हमारा सॉइल मिट्टी जाएगा। रुक जाइए आप लोग थोड़ा, क्या हमने बताया? बायोटिक में प्लांट्स और एनिमल, ठीक, और अबायोटिक में सॉइल, रॉक, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर। अब हिंदी में समझ लेते हैं, सॉइल मिट्टी, रॉक चट्टान, एयर हवा, वाटर पानी, लाइट रोशनी, टेम्परेचर तापमान। तो ये हमारा अबायोटिक में है और बायोटिक में प्लांट और एनिमल्स है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग लिखी है, हमारी हेडिंग में है हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। अब हैबिटेट और एडेप्टेशन क्या है? हैबिटेट और एडेप्टेशन क्या है, पहले हम इसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझें, हम चाहेंगे कि आप अच्छे से इसको समझ लें। अच्छे से समझेंगे तो हमारी मेहनत थोड़ी अच्छी लगेगी। हाँ, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको समझ में आया। तो देखिए, हम पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। लिखा है द प्लांट एंड एनिमल इन डिफरेंट हैबिटेट आर नॉट सेम, फॉर एग्जांपल डेजर्ट। तो क्या बताया जा रहा है कि जो पौधे हैं और जो जानवर हैं, इनका स्थान, इनका निवास एक जैसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इनका निवास स्थान एक जैसा नहीं होता है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा है द प्रेजेंस ऑफ फीचर्स ऑफ कंटेंस हैबिटेट विच हेल्प ऑन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इन और एनवायरमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन को कहते हैं अनुकूलन, मेल रूपांतर, मतलब इन चीज़ों में मेल, जिनके स्थान अलग अलग होते हैं, रहने का निवास स्थान अलग अलग होता है, लेकिन एक दूसरे को रहने में मदद करते हैं और जो पूरे एनवायरमेंट में मेल बनाकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो जो कहने का मतलब है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अडेप्ट टू लिव इन देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज, मतलब कहने का है कि हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके से सभी जानवर निवास करते हैं। तो देखिए आगे हमने क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। चलिए, आगे हमारा लिखा है कि अडेप्टेशन इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स सच ए शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। फॉर एग्जांपल ए फिश फॉर्म द फॉलोइंग अडेप्टेशन। हम सबसे पहले लिखा है कि हम इसमें इन्वॉल्व जोड़ना चाहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स, इनके जो फीचर्स होते हैं, इनके जो गुण होते हैं, इनका साइज़ अलग होता है, शेप अलग होता है, आकार अलग होता है, कलर अलग होता है, स्ट्रक्चर का ढांचा अलग बना होता है, इनका बिहेवियर अलग होता है। क्या होता है? इनका
बिहेवियर। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर बिहेवियर, बिहेवियर मतलब व्यवहार, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। बिहेवियर की स्पेलिंग में हमारे थोड़ी गड़बड़ी हो गई, तो आई हो सॉरी। तो बी एच वी ई एच ए वी आई ओ यू आर, सॉरी यहाँ पे यू हमारा बन नहीं पाया था, तो सॉरी फॉर दैट। तो बिहेवियर कहने का मतलब है अनुकूल रूपांतर मेल में कॉम्बिनेशन और फीचर्स इनके अलग अलग होते हैं, इनका साइज अलग होता है, शेप अलग होता है, कलर अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है। तो फॉर एग्जांपल में हमने फिश लिया है, तो देखिए फिश का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। देखिए इनकी आँखें हैं, माउथ मुंह है, गिल्स इनके पते हैं, गिल्स में सोते हैं, गलफड़, यहाँ से ये सांस लेते हैं, यहाँ से क्या लेते हैं, यहाँ से ये सांस लेते हैं। और इनकी जो स्केल्स है, मतलब ऊपर की जो चमड़ी होती है, वो थोड़ी स्ट्रीमलाइट बॉडी होती है। इनकी कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइट बॉडी होती है। और इनकी जो टेल होती है, वो डायरेक्शन में मूव करने में मदद करती है, क्या करने में मदद करती है, डायरेक्शन को यूज़ करने में मदद करती है। मतलब ये आराम से डायरेक्शन को समझ सकती है कि कौन सी डायरेक्शन में इसको जाना है। तो हम कुछ पॉइंट आपको फिश से रिलेटेड बताएंगे, मैंने इसमें लिखा नहीं है बट मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी, तो प्लीज़ ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट हम बना सकते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है, कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब होता है सुडोल, एकदम इनकी जो बॉडी का शेप होता है बहुत ही अच्छा होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, सुडोल होता है, जिससे ये पानी में आराम से मूव कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती है, मतलब चल सकती है, तैर सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम बता दे रहे हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा कि इनके जो फिन्स होते हैं, इनके जो फिन्स, फिन्स मतलब इनके जो पंख होते हैं, पंख और इनकी पूंछ कैसी होती है, फ्लैट होती है। इनकी जो पूंछ है, ये पूंछ है और ये फिन्स है, तो इनकी जो फिन्स और इनके जो टेल है वो हमारी फ्लैट है, कैसी है, फ्लैट है। फ्लैट होने के साथ साथ इनके जो पंख हैं और इनकी जो पूंछ है वो स्विमिंग करने में मदद करती है और डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है। क्या चेंज करने में मदद करती है, डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब क्या होता है पता है, डायरेक्शन मतलब होता है दिशाएं, दिशाएं को, दिशाएं चेंज करने में इनके पंख और इनकी पूंछ मदद करती है, ठीक है। तो हमने आपको अभी बताया इनके गिल्स, गिल्स मीन्स होता है गलफड़े, जो गलफड़े होते हैं, जो ये रहा इनके जो ये गिल्स हैं, गिल्स इनकी मदद पता है किसमें करते हैं, ऑक्सीजन डिसॉल्व, जो पानी में, जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसमें ये रहती हैं, पानी में ही रहती हैं, क्योंकि सुना है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो पानी इनका जीवन, इनका निवास स्थान पानी है। तो ये जो इनका, इनकी जो बॉडी है, बॉडी में जो इनके गिल्स दिए गए हैं, वो ऑक्सीजन जो घुली हुई वाटर में, जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसमें सांस लेती हैं, सांस लेने में काम करती है, अपनी बॉडी को ऑक्सीजन के द्वारा, उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं, किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, आई होप सो आपको समझ में आ गया हो, अगर ना आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, तो हम जल्दी से जल्दी आपके पास फिर से नया टॉपिक लेकर आएंगे, वो भी इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। सो कीप वॉचिंग एंड बी हैप्पी, ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।